13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो पर चर्चा करने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन के पहले सत्र में फास्टेस्ट इमर्जिंग मीडियम ऑफ मीडिया रेडियो विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, जेवियर पॉलिनेच, एबल अबले डिस्पेन, कमांडर केएल गंजू, जरीन अतिशय, सुरेंद्र सिन्हा, शिशिर सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रेडियो ऐसा माध्यम है जो जन माध्यम का रूप ग्रहण किए हुए है और यह अपनी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने रेडियो पर अपने अपने विचारों को साझा किया और वर्ल्ड रेडियो डे का पोस्टर रिलीज किया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देशों के क्यूजिन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में जेवियर पॉलिनेच एम्बेसडर ऑफ पेरू मौजूद रहे, जिसमें द इनका सिटीज इन द क्लाउड्स फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। इसी दौरान संदीप मारवा द्वारा जेवियर पॉलिनेच को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान एबल अबले डिस्पेन मौजूद रहे, जिसमें फीडर फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और संदीप मारवा द्वारा एबल अबले डिस्पेन को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं देश को और पूरी दुनिया को आज वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज रेडियो नोएडा 107.4 FM 15 साल अपने पूरे कर रहा है और जहां तक रेडियो रायपुर की बात है उसे आज 2 साल हो गए हैं और रेडियो मुंबई को आज पूरा 1 साल कम्प्लीट हो गया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग रेडियो के इस क्षेत्र में भी एक अपना नया मकाम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी सुबह आज 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन है और सुबह से बेहतरीन तरीके से हम लोग क्यूबा की, पेरू की, नॉर्थ कोरिया की फिल्में जो हैं दिखा चुके हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो पहली 20 फिल्मों में आई थी उनका प्रदर्शन चल रहा है और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम खत्म किया है जहां हम लोगों ने वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट किया है। रेडियो जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर माध्यम है मीडिया का और जो चीज़ अखबार के जरिए या टेलीविजन के जरिए दिलों तक नहीं छू पाती वो रेडियो के जरिए दिल तक पहुंच जाती है। ये रेडियो का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं तो कहूँगा कि इन पिछले 10 सालों में रेडियो ने एक नई ऊर्जा देखी है, एक नया उजाला देखा है। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है 100 से भी ज़्यादा कार्यक्रमों के साथ हमारे तीनों रेडियो जुड़े रहे हैं, खासतौर पर रेडियो नोएडा 107.4 FM। हम इन सभी प्रोग्राम्स को अपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इन्हीं 100 कार्यक्रमों को कोई सुन ले तो उसके अंदर एक नया जोश, नई लगन, एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रेडियो के ऊपर बोले हैं। सर, अभी तक आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है, गेस्ट जो आए हैं? बेहतरीन। 72 मुल्क इस वक्त ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के 12वें इस एडिशन के साथ जुड़े हैं और सभी देशों से और प्रदेशों से और विभिन्न स्थानों से हमें कल से आज सुबह तक खूबसूरत तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद के और मुझे अच्छा लग रहा है कि कल 7,000 से भी ज़्यादा फुटफॉल थी, आज लगता है उससे भी ज़्यादा होगी और कुल जोड़ के ये 3 दिन का जो भव्य कार्यक्रम है अपने आप में एक नया रूप धारण कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। Marva studies. We inaugurate one documentary of Peru, my country. I am the ambassador of Peru in India, about the Inca civilization. And I hope this documentary can be show our ancient history
about the Incas. So, any message to the audience on World Radio Day? Sorry? Any message to the audience on the World Radio Day? Yes, the message that I can send is that filming, radio and so on are so important that it's wonderful to support us and to have collaboration with Marva Style. Thank you so much. I want to say, sir, any message, any question for the organizers to organize such more events like this? Before I say that, please allow me to thank Dr. Sandeep Marwa for inviting me to this wonderful event. And this event was very fruitful and very, very important, because media and the radio today, by the way, today is a International Radio Day also. So my message to all of this is congratulations on this day. And media is such a thing which has to be honest, courageous and dedicated. If you learn for 3 years the journalism and you are not courageous, you don't want, you fall into the wrong trap, then you will not become a good journalist at all. If you want to make a name, if you want to make a fame, then you have to be writing what you see. You have to be communicating what you see and benefit the masses, because ultimately it is the poor people who are sufferers. Present media is doing their job, and you have to add to their, you know, and support them in bringing everything to the public. Thank you. Such lovely events. We attach a high priority to our relationship with Studios Marva, and we are looking forward to continue developing the cooperation between the Republic of Cuba and our institutions, particularly our embassy with the studios. The event, I also appreciate and I'm glad for the participation of one of our films in the event, and I'm looking forward that this film was of the pleasure of the people who see it. So thank you so much for everything, and thank you for the organizers for events, such innovative events like this. They organize more events like this. This is for the organizers. For the organizers, I just would like to ask them to keep forward and to organize editions of these events in the coming years. And we are looking forward for the participation of Cuba in the next editions also. So thank you so much. Thank you. ये हो सकता है आज इंटरनेट है, हो सकता है कल कोई और ऐप आ जाए, बट रेडियो का जो अपना चार्म है वो कभी लूज नहीं होगा। आज भी आप देखेंगे ट्रैफिक में, खुद ही नजर फेर लेना कितने लोगों ने ट्रैफिक में ट्यून इन करा होता है, तो उनका वो साथी है और साथी छूटते नहीं है, दौर बदलता है साथी नहीं बदलता। सर, एनी ब्राइटेस्ट मोमेंट दैट यू हैव एवर हैड, मतलब कोई भी आपका कोई बेस्ट एक्सपीरियंस आपकी फील्ड में, या कोई भी बेस्ट स्टोरी जो आपने आज तक कवर करी हो, कोई शेयर करना चाहिए? स्टोरी और मेरा एक्सपीरियंस दो अलग जवाब है इसके। एक्सपीरियंस मेरा यार, रेडियो मिर्ची एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो 2015 में लास्ट उन्होंने रेडियो हट कराया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 4-6 हज़ार पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसको जीतना मुझे लगता है बड़ी अचीवमेंट थी। सो आई एम द विनर ऑफ द हंट, तो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि मेरे घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, एंड उनको इनफैक्ट पता भी नहीं था, तो मैं तो बाइक के लालच में भी आ रहा, क्योंकि वो जो जीतता उसको बाइक भी मिली, तो जब मैंने उन्हें जीता और फिर बताया, वो जो खुशी थी वो शायद 5-6 सेकंड का पल था, पर वो मेरी लाइफ से कभी नहीं जाता। जो स्टोरी मैंने सबसे अच्छी कवर करी है यार, आई थिंक अभी रिसेंटली मेरी बादशाह से मुलाकात हुई थी, बड़े कमाल की होती है यार, तो उनकी स्टोरीज और उनका तरीका जो बात करने का मुझे बड़ा पसंद है। जी आ जाओ। मैं ये कहना चाहूँगा कि करते रहो मेहनत यार। आजकल ना सबसे जो मुश्किल चीज़ हो रही है ना, जो यंग जनरेशन, जो आपने कहा पेशेंस नहीं है, फटाफट से लेके फटाफट बाइट फटाफट अपना खटखट कर ले, बट रेडियो या कोई भी फील्ड में आपको एक्सेल करना है तो वो पेशेंस आपसे सबसे पहले मांगता है, और एक प्रोसेस है, क्राफ्ट है सब चीज़ों के ना। एक्टर बनने के लिए भी आपको पहले एक्टिंग सीखनी है, एडी का काम भी सीखना है, ईपी का भी सीखना है, ऐसे रेडियो में भी, रेडियो जॉकिंग के अलावा 4 चीज़ें हैं, प्रोड्यूसिंग है, प्रोमो प्रोड्यूसिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, कॉन्टेंट राइटिंग है, म्यूजिक मैनेजिंग है, उन सब चीज़ों को परख के जो है वहाँ पहुँचते हो। मैंने भी करा था डिस्पाइट मी बींग अ विनर ऑफ सच अ ग्रेट हंट, बड़े प्रोसेस से तो जाना पड़ेगा, तो अगर वो कर पाओगे तो ही आगे बढ़ोगे। सर जो बहुत ही मजेदार यार, जो युवा आने से डरते हैं कि वीडियो अब खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इसमें आ, तुम डरो, मैं नहीं, देखो मुझे समझिए इस बात को, मुझे रेवोल्यूशन नहीं लाना है, मुझे सच्चाई बतानी है। जो अगर इंसान डर ही रहा है तो उसके लिए रेडियो बना ही नहीं, जो अगर दिल से मोहब्बत करता है, चाहे वो चीज़ लास्ट ही क्यों ना हो, वो उसके लिए भी चाहेगा।
बिल्कुल, चाहे आखिरी एक्टिंग का स्कूल हो या बोलती है जब बॉलीवुड की आखिरी मूवी हो उसके लिए भी जाना चाहेगा। तो मुझे डर को बदलाव नहीं करना है, मुझे रियलिटी बतानी है कि रेडियो का जो चार्म, रेडियो की जो पावर, रेडियो की जो इन्फॉर्मेशन, रेडियो का जो एंटरटेनमेंट, रेडियो की जो गाने हैं, रेडियो का जो रैंडमनेस है, रेडियो की जो अपनी परिभाषा है, रेडियो की जो अपनी कला है, वो कहीं नहीं जाएगी। अगर आप ये बात जो जितनी मैंने बोली अगर आप इन सबसे कनेक्ट कर पाते हो, प्लीज मोस्ट वेलकम, रेडियो आपके लिए है। क्योंकि ऐसा आपका डर, पहली बात आप डर हटाएंगे फिर आपको लगता है अरे आपने डर हटा ली, प्लीज प्लीज एक आइए ना कुर्सी, आपका डर हट गया। डर हटाने के बाद जुनून चाहिए, तो आप अगर डर में फंसे तो जुनून आना तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगले तो मैं उन लोगों को बोलूंगा डरते रहो जो एक्चुअली में लोग करना चाहता हूँ। सेम मैसेज जो भी मैंने अभी कॉपी पेस्ट आप उसको करिएगा, रेडियो की जितनी मैंने चीजें बोली वो कहीं नहीं जाएगी। आपको ऐसा लगता है बैठ के, अगर आपने आज YouTube देखना छोड़ दिया तो YouTube कम हो गया, आपको लगता है Facebook आप लोग बहुत कम चला रहे हैं, आपको लगता है कि रेडियो में आज अब हमने गाना जो है रैंडमली सुन लिया तो नहीं होगा। हम बहुत छोटा एक कह सकते हैं, बहुत ही छोटा एक फिगर है कंपेरेटिवली, जो इतनी बड़ी एक मास हमारी दुनिया है, तो उससे जज मत करिए। जो आपको करना है वो करते जाइए, रेडियो में अगर आना है रेडियो में आइए, और रेडियो का जो गाने सुनने का जो अपना मजा है उसको मत भूलिए। ठीक है यार, हर बार सुनते रहते हैं रेडियो में गाने का अपना ही मजा है। Well, first of all, thank you very much for having me here today, and it was our great pleasure to present two short documentaries which showcase the reality of DPR Korea and the Korean people. Well, what I'd like to say and request you sincerely is that through this kind of cultural engagement and communication, I want Indian, friendly Indian people to have a correct and clear understanding about the reality of my country, which is often depicted, unfortunately, negatively in some Indian and all world media. Because my country is a normal country, in which people have a very happy, normal life, like everywhere else in the world. And we want to showcase, on contrary to what is usually depicted in other media, that we are happy people and we lead a normal life, and we want to have a good relation with Indian people and other countries. That's what I'd like to say. Thank you.